मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया विषय पार्ट ऑफ स्पीच का जो शुरू करेंगे, टॉपिक वर्ब क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को व्यक्त करे, उसे हम वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को व्यक्त करे। दिल्ली इज ए क्राउडेड सिटी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इज और मूव्स, इन वाक्यों को की शब्द जो है ये वर्ब है। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वर्ब जो है किसी सब्जेक्ट के विषय में बारे में बताती है। जैसे मोहन सिंह मोहन गाता है, यू फील सैड, तुम उदासी महसूस करते हो। राम वाज ए नोबल किंग, राम एक जो है महान राजा था, नोबल्स उदार राजा था। तो एग्जिस्टेंस ये एक्शन को भी व्यक्त करती है, वर्ब फीलिंग और एग्जिस्टेंस। तो सिंग्स जो है सब्जेक्ट के बारे में बताती है, गाता है कौन, मोहन महसूस कौन करता है, पर्सन तुम, यू, और वाज कौन है, वर्ब बताती है अराउंड के बारे में। तो ये इस सेंटेंसेज में सिंग्स, फील्स और वाज सभी वर्ब अपने अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से परिचित हैं। ऐसे वर्ब को फाइनेट्स वर्ब कहते हैं। हाउ टू फाइंड ए वर्ड, क्रिया ज्ञात करने की विधि। अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो। जो शब्द हिंदी अनुवाद के वाक्य के अंत में आए वह क्रिया वर्ब होगी। तो वर्ब का कैसे हम देख सकते हैं कि वर्ब को, तो अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी वाक्य है, हिंदी में अनुवाद करो और जो अंतिम शब्द होगा हिंदी अनुवाद में वह वर्ब होगा। जैसे स्तीश स्पीक द ट्रुथ, स्तीश सच बोलता है, तो बोलना जो है लास्ट में है, तो बोलना वर्ब है। उपयुक्त उदाहरण में हिंदी अनुवाद के अंत में बोलता है आया है, इसलिए स्पीक्स जो शब्द है बोलता है वर्ब है। तो वर्ब का कैसे पता चलेगा, जैसे इंग्लिश में कोई वाक्य है उसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे और अंतिम जो शब्द है वह जो है बोलता है वर्ब है। दूसरा साधारणकर्ता में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, वो क्या हुआ, लगाने से उत्तर में वर्ब आएगा। कर्ता में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, वो क्या हुआ, लगाने से ये शब्द जो है उत्तर में के वर्ब आएगा। जैसे उषा रीड से बुक्स, उपयुक्त वाक्य में उषा करता है। अब प्रश्न करो उषा क्या करती है, उत्तर मिला रीड्स पढ़ती है, इसलिए रीड्स क्रिया है। तो पहले वाक्य में क्या करना, क्या करता है, उषा रीड्स ए बुक, उषा क्या करती है, पढ़ती है, रीड्स पढ़ना तो वह वर्ब है। दे हैव लर्न्ड द लेसन, उपयुक्त वाक्य में दे करता है, और अब प्रश्न करो उन्होंने क्या किया है, हैव लर्न्ड, उन्होंने याद किया है, हैव लर्न्ड याद किया है, इसलिए हैव लर्न्ड क्रिया वर्ब है। उसके बाद रोहित डाइड ऑफ कैंसर, उपयुक्त वाक्य में रोहित करता है, अब प्रश्न करो उसको क्या हुआ, और उत्तर मिला डाइड, मर गया, इसलिए क्रिया जो है डाइड क्रिया वर्ब है। उपयुक्त वाक्य में रोहित डाइड ऑफ कैंसर, रोहित करता है, अब प्रश्न करो उसे क्या हुआ, वह मर गया, डाइड, तो डाइड वर्ब है। साधारणतः अंग्रेजी भाषा में वर्ब कर्ता सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होती है। जैसे आइसना गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है, यस वेंट टू मेरठ, और यस जो है मेरठ गया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता ने उससे पहले आया हुआ क्रिया का सहायक अंश भी क्रिया ही माना जाता है। जैसे वाज ही क्राइंग, तो वाज पहले है क्वेश्चन मार्क चिन्ह में, वाज ही क्राइंग क्या वह चिल्ला रहा था, तो वाज जो है वो भी क्रिया का अंश माना जाएगा।
वाई आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्या पढ़ नहीं रहे हो, यू से पहले आर है तो आर भी जो है क्रिया का वंश माना जाएगा। इन वाक्यों में वाज क्राइंग और राइट आर रीडिंग क्रियाएं वर्ब हैं। यहाँ पर क्रिया वाज भी है और क्राइंग भी है, दूसरे में यहाँ आर भी है और रीडिंग भी है। तो रीडिंग से सब्जेक्ट से पहले जो सहायक क्रिया होती है आर, जैसे वाज इज एम आर वाज, तो वो भी एक जो है क्रिया का अंश मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज बस हम इस वीडियो में वर्ब के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको जो है वर्ब्स के अगले जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मानव विकास हरियाणा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।